और इधर लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी बयानबाजी के बीच में जबलपुर की हिंदू धर्मसेना और चंडी वाहनी ने मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू युवाओं को 11,000 रुपए देने का ऐलान किया है। और इतना ही नहीं, हिंदू युवक के दूसरे धर्म में शादी करने पर शादी का सारा खर्च भी धर्मसेना ही उठाएगी। देखिए इस सब पर हमारी ये खास रिपोर्ट। लव जिहाद को लेकर सियासी दलों के बाद अब हिंदू धर्म सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदू धर्म सेना का कहना है कि लव जिहाद के मामलों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए धर्म सेना के कार्यकर्ता तैयार हैं। उनका कहना है कि धर्म सेना मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू लड़के को 11,000 रुपए पुरस्कार के रूप में देगी। इतना ही नहीं, हिंदू युवक के दूसरे धर्म में शादी करने पर शादी का खर्चा भी धर्म सेना उठाएगी। जिस प्रकार से मुस्लिम लड़के जो है हमारी हिंदू बेटियों को, हमारी हिंदू बहनों को अपने लव जिहाद के चुंगल में फंसा कर भगा कर ले जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करवा रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारे हिंदू समाज में इससे वैसे भी लड़कियों की कमी है, लड़कों के अनुपात में, और इससे भी लड़कियों की मात्र जो संख्या में काफ़ी कमी आ रही है, उसको देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने निर्णय लिया है कि हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगा कर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। भगाना मतलब शादी विवाह के लिए, अगर दोनों आपस में प्रेम करते हैं, मतलब गैर कानूनी रूप से अपहरण करना नहीं है, हम लोग का मकसद कि अगर दोनों में प्रेम है अगर और दोनों शादी करना चाहते तो लेके आओ, हम लोग प्रोत्साहन करेंगे, 11,000 भी देंगे और पूरी कानूनी रूप से मदद करके उनकी शादी भी करवाएंगे। धर्म सेना के इस अभियान में चंडी वाहनी भी साथ दे रहे हैं। धर्म सेना पूरे प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। INS न्यूज के लिए जबलपुर से संजय साहू की रिपोर्ट।